नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसके बाद सूरत भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेनों को रोक दिया गया है। दोस्तों, ये किस प्रकार की रेल दुर्घटना थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी और किसकी लापरवाही से हुई थी? बार बार हो रहे रेल दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस बड़ी रेल दुर्घटना की बात करूँ तो ये दुर्घटना प्रयागराज छिबकी रेलवे स्टेशन के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के तरफ एक मालगाड़ी जा रही थी। रात करीब 2 बजे ट्रेन मेजर रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हो गई। इसी दौरान सुबह 4 बजे के आसपास इसके 2 कोच से धुआं निकलने लगा। इसकी जानकारी रेलवे स्टेशन मास्टर सुनील कुमार को हुई तो उन्होंने रेलवे कंट्रोल रूम को खबर कर दी। खबर करने के थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच जाती है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाता है। आग बुझाने में रेल कर्मी विजय मिश्रा, प्रवीण गुज्जर, गंगा राम यादव सहित और भी बहुत सारे कर्मचारी का इसमें योगदान रहा है। घटना को लेकर मंडल के PRO अमित सिंह ने बताया कि आग पर कुछ ही मिनट में काबू पा लिया गया था। सिर्फ कुछ देर के लिए सूरत भागलपुर एक्सप्रेस को रोका गया था। तो दोस्तों, दिल्ली हावड़ा रेल लूट के मेजर रोड रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह करीब 4 बजे मालगाड़ी के 2 डिब्बों में आग लगने से हड़कंप का माहौल बन जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लेता है, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो दोस्तों, बार बार हो रहे रेल दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है, आप नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।